नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ संजोगिता जी हैं जो डेरा सच्चा सौदा में पिछले 11 सालों से जुड़ी हुई हैं। इनका परिवार भी पूरा काफ़ी लंबे समय से डेरा सच्चा सौदा में आ रहा है। इनसे जानते हैं ये कैसा महसूस करते हैं डेरा सच्चा सौदा में आकर। सीधा इनके साथ बातचीत आपको दिखाते हैं। संजोगिता जी, आपका द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सतगुरु तेरा ही आसरा। आप काफ़ी लंबे समय से आ रहे हो। हाँ जी। कितना विश्वास करते हो? बहुत ज़्यादा। अपने जो अपने माँ बाप वाले जो जिन्होंने हमने जन्म दिया ना, उससे भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। कैसा महसूस करते हो यहाँ पर आकर? हमें तो बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। एक लेडीज होने के नाते कैसा लगता है, मतलब सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा बहुत अच्छी है यहाँ पे। यहाँ पे हमें तो कुछ वो ऐसा लगता ही नहीं है भी हम यहाँ लेडीज हैं भी अकेले हैं यहाँ पे। जो भी मीडिया में खबरें दिखाई जा रही थी यहाँ, बिल्कुल झूठ है। कुछ भी ऐसा यहाँ है ही नहीं जो मीडिया में फैली हुई है। जो आरोप गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे, बिल्कुल बिल्कुल झूठ है। एक भी सच नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है। जो पिताजी के ऊपर आरोप लगाए हुए हैं, कोई भी रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। क्यों, मतलब फिर इस तरीके से एक संत के ऊपर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? दुनिया को अच्छा नहीं लगता है ना कोई संत अच्छे भलाई के, मानवता भलाई के कार्य करे। दुनिया कोई सहन नहीं होता है। जो सरकार है, जो जो ये नशा फैला रहे हैं, उनको क्यों अच्छा लगेगा? कोई नशा को रोकेगा? क्या काम किया है गुरुजी ने मानवता? गुरुजी ने मानवता भलाई के लिए 134 कार्य किए हैं, गरीबों की मदद करने के लिए। अगर किन्नरों को जो धारा लगवाई थी, जो वो दिलवाई है, और जो विधवाओं को मकान बना कर दिए हैं, बहुत गरीब बच्चों की पढ़ाई का भी वो किया है, जो और जो माले बेटियां हैं, शाही बेटियां, उनको जो अनाथ बेटियां जिनको माले माँ बाप ने जिनको त्याग दिया था, उनको अपना नाम दिया है। पिताजी ने बहुत से ऐसे मानवता भलाई के कार्य किए हैं। आप समाज के लोगों को क्या बताओगे, क्योंकि उनके दिमाग में तो जो मीडिया में दिखाया गया था वही इमेज फिट है। हम बोलेंगे कि समाज भी सारे एक साथ मिल के कहो कि पिताजी ने जो कार्य किया है, ऐसा कोई दूसरा कार्य नहीं, कोई नहीं कर सकता। की जरूरत है समाज को। हाँ, बहुत ज्यादा। क्या मांग करोगे सरकार से? हम सरकार से मांग करेंगे हमारे पिताजी जल्दी से जल्दी बाइज्जत बरी होके जल्दी से जल्दी हमारे बीच में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मांग की जा रही है कि लगातार पब्लिक यही कह रही है कि संत जी की समाज को सख्त जरूरत है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। आप लोग भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, मुहिम को आगे लेके जाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।